हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट में। तो पहले कर लेते हैं टिकट और फिर जाते हैं अंदर। ज़्यादा भीड़ नहीं है, ना ही कोई कतार है, टिकट काउंटर्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो टिकट फटाफट मिल गया है मुझे। इंडियन एडल्ट के लिए 100 रुपये है और कैमरे के लिए और 200 रुपये देने पड़े। वैसे आप नेट टटोलोगे तो बहुत जगहों में 50 रुपीज़ है अभी तक और कैमरे के लिए 100 रुपये लिखा हुआ है। तो मैं आया हूँ अक्टूबर 2023 को, तो एंट्री फी लिया है 100 रुपये, कैमरे के लिए 200 रुपये। मैं आया हूँ इधर शाम के वक्त, तो थोड़ा धूप छाव वाली बात है। कहीं पे धूप है तो कहीं पे छाव है तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगेगा आपको। वैसे मौसम इस वक्त बहुत ही बढ़िया है, घूमने का मज़ा ही कुछ और है। यह है श्री करणी माता मंदिर जूनागढ़ फोर्ट के अंदर। एक चीज़ मानना पड़ेगा, राजस्थान के जितने भी फोर्ट्स हैं बहुत ही वेल केप्ट, वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरा बिल्कुल। स्पेशली ये फोर्ट जो है बिल्कुल स्पॉटलेसली क्लीन है। ये जो जगह है बहुत ही स्टीप है और बहुत ही नैरो है, और इसका जो पैटर्न है देखने से ये लगता है कि अगर कोई घोड़ा वोड़ा इधर ऊपर से नीचे आए तो स्लिप ना करे, इसलिए शायद ऐसा बना हुआ है। ये देखिए, ये जगह छाव है तो बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है। एक्चुअली मैं पर्पसली यहाँ लेट आया हूँ ताकि गर्मी ना लगे। एक्चुअली अक्टूबर महीना है लेकिन धूप में आप घूमोगे तो गर्मी तो लगेगी, तो इस वक्त इधर गर्मी नहीं है। और यह जगह जो है घूमने में बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे लगेंगे। इधर का आर्किटेक्चर देखो भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत है। ये जंजीर शायद कबूतर को रोकने के लिए दिया हुआ है, काफ़ी हैवी चेन्स है। वैसे टिकट काउंटर के वहाँ में भीड़ नहीं था लेकिन अंदर काफ़ी लोग हैं और ज़्यादातर यंगस्टर्स, बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स वैसे ही नज़र आ रहा है। तो ये है बादल महल। तो इस फोर्ट का अलग अलग हिस्से को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये है बादल महल, फिर एक है चंद्रा महल, एक है गंगा महल। बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल देखने लायक है। चलिए इधर क्या है देखते हैं। जूनागढ़ फोर्ट जो है ये बनाया गया था 1589 और 1594 के बीच। इसे बनाया था बीकानेर के राजा सिंह के देखरेख में, करण सिंह ने। तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन हुआ था रेड स्टोन और मार्बल स्टोन से। मुझे बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है कि इतने साल पहले, जब कोई पावर टूल्स वगैरह कुछ नहीं था, कितने अच्छे कारीगर थे और कितना अच्छा उनका हाथ का काम था। रियली एस्टॉनिशिंग। मैं पावर टूल्स कह रहा हूँ, उस वक्त तो पावर ही नहीं था, तो पावर टूल्स कहाँ से आएंगे। तो हर फ्लोर में ऐसे म्यूजियम्स हैं। इस कमरे में ये वॉर ड्रम रखा हुआ है, शील्ड रखा हुआ है, ढेर सारे शॉर्ट्स रखे हुए हैं। आपको बहुत सारे सिल्वर और ब्रास के आइटम्स भी देखने मिलते हैं यहाँ पर। बाप रे, इधर बहुत ही ज़्यादा शोर है, स्पेशली इंडोर्स होने के कारण वो साउंड इको करता है, तो सबको चिल्ला चिल्ला कर बात करना पड़ता है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता। ये लोग भी जा रहे तो हम भी चलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते हैं। फोर्ट के अंदर ढेर सारे रूम्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर एक जनरेशन ने अपना अपना हिसाब से कमरे बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा रूम्स है इसके अंदर। फोर्ट के अंदर कई सारे मंदिर भी हैं, जैसे करणी माता मंदिर दिखाया था आपको, और ये है एक और मंदिर।
और हर एक मंदिर में पूजा होता है अब तक। तो बीच बीच में ऐसे कोर्टयार्ड दिए हुए हैं और आप बाहर झांकोगे तो देखोगे कि बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स बने हुए हैं, ग्रीन बिल्कुल। तो इस कोर्टयार्ड का एक तरफ है गार्डन्स और लॉन्स और एक तरफ है आपका इंटीरियर जहाँ से हम ऊपर आए थे, और बाकी लेफ्ट और राइट को ऐसे कमरे बने हुए हैं जिनमें कि म्यूजियम बना हुआ है। ये झूला आपको देखने मिलता है फूल महल के अंदर में। जूनागढ़ फोर्ट बनने से पहले यहाँ पर एक पत्थर का फोर्ट हुआ करता था, और ये पत्थर का जो किला है वो बनवाया था राव भीका ने 1478 में। इसके पीछे भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। राव भीका जो थे वो थे राव जोधा के सेकंड सन, और राव जोधा आप लोगों को पता ही होगा जोधपुर के फाउंडर थे। तो राव भीका जो कि सेकंड सन थे राव जोधा का, उन्हें पता था वो सेकंड सन होने के नाते उनको कुछ मिलना नहीं था। तो ये जगह जो कि पहले जंगलादेश के नाम से जाना जाता था उन्होंने सेटअप किया, और इसी वजह से उनका नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ में बीकानेर। म्यूजियम के अंदर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें रखे हुए हैं, देखने में टाइम लगता है। तो इस वक्त हम है फर्स्ट फ्लोर में, वो देखिए वो था ग्राउंड फ्लोर, और एक और फ्लोर ऊपर है। इस फोर्ट के अंदर में इतने सारे कमरे हैं, और इन कमरों में कई सारे कमरे आपको ऐसे भी देखने मिलेंगे जो कि बिल्कुल खाली है। जैसे कि ये कमरा देखिए ऑलमोस्ट खाली है, और इसके आगे देखते हैं क्या है, ये भी खाली है। ये कमरा देख के बड़ा तसल्ली हुआ, अपना कमरा जैसा लग रहा है छोटा सा। ओह यस, मैं कह रहा था यहाँ पे है वो गाड़ियाँ भी खड़ी और एरोप्लेन भी खड़ा है विंटेज। तो ऐसा है कि एक फ्लोर और ऊपर है, और शायद बेसमेंट भी होगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो इधर रखे हुए हैं आर्म्स, कितने मोटे मोटे गन्स है ये। तो ये ज़रूर इंपोर्ट किए होंगे, इंडियन तो लगते नहीं है। कितने सारे शॉर्ट्स और नाइव्स और क्या क्या, बहुत सारे आर्म्स रखे हुए हैं इधर। ये बड़े अजीब किस्म के गन्स है, फ्लोर से लेकर के सीलिंग तक पहुंच रहे हैं ये गन। बहुत वाइड कलेक्शन ऑफ वेपन्स। तो इसीलिए शायद रिपीटेड अटैक्स के बावजूद इस फोर्ट को कभी किसी ने कैप्चर नहीं किया, सिवाय एक दिन का जब बाबर के बेटे कमरान मिर्ज़ा ने इसे कैप्चर किया था, सिर्फ एक दिन के लिए। इस जगह का ब्यूटी देखिए, क्या आर्किटेक्चर है, एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए उनके इस्तेमाल के सामान। तो इनके कलेक्शंस में आपको बहुत कुछ देखने मिलते हैं, जैसे कि तस्वीरें, संस्कृत और पर्शियन में आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स भी देखने मिलते हैं, कई सारे पेंटिंग्स भी देखने मिले। और फिर इधर देखिए इनके इस्तेमाल के सामान। तो इधर आपको ज्वेलरी, रॉयल कॉस्ट्यूम्स वगैरह, ये फर्नीचर कितने पुराने पुराने बिल्कुल चमक रहे हैं, देखिए ब्यूटीफुल कलेक्शन। चलिए अब नीचे चलते हैं, ये शायद बेसमेंट का रास्ता होगा। इस फोर्ट के अंदर काफ़ी सारे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पड़ेंगे। तो इस सेक्शन में आपको देखने मिलता है तरह तरह के पालकियाँ, और आपको देखने मिलता है ये एयरक्राफ्ट जो कि एक हैवीलैंड वॉर प्लेन है, और इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया था। एक लिफ्ट भी रखा हुआ है यहाँ, और फिर ये कई सारे बग्घियाँ रखे हुए हैं बहुत पुराने पुराने। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो दोस्तों बाहर ये एक कैफेटेरिया बना हुआ है, छोटा है मगर बहुत कुछ मिलता है अब, और अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा विज़िट, अभी बने रहिए। तो मैं भी ये चाय पी लेता हूँ, और फिर चलते हैं इधर एक और म्यूज़ियम वो देखेंगे, उसके लिए टिकट लेना ज़रूरी होगा। तो जूनागढ़ फोर्ट के साथ ही लगा हुआ है ये म्यूज़ियम, तो इसका नाम है प्राचीना बीकानेर कल्चरल सेंटर एंड म्यूज़ियम, और कहते हैं कि उसका कलेक्शन कभी मिस नहीं करना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है इस म्यूज़ियम में। तो चलिए
इस म्यूजियम को भी क्यों छोड़े, इसे भी देख लेते हैं, लेकिन पहले टिकट लेना ज़रूरी होगा। कहाँ मिलेगा टिकट? नहीं दे दो। तो आपने वीडियो बंद करने का फरमान सुन ही लिया है, तो कोई बात नहीं, आपको इमेजेस दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मिस ना करें। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थे अनलकी लिए, उधर में वीडियो का परमिशन नहीं है, आप लोग अगर आते हैं तो बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है आगे एक और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।